हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के 2017 और 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं एग्जाम की तैयारी लेकर एस खान सर का नाम। तो गाइज, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन में जो 2018 में पूछे गए थे, 2000 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें से दो ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखा जाए तो टोटल मार्क्स 4। वन बाय वन हम लोग आंसर एनालिसिस करते हैं 2018 के क्वेश्चंस का। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कहता है विच गैस एब्जॉर्ब बाय चारकोल। वैसे देखा जाए अमोनिया तो आपने रट लिया या आपको याद भी हो गया, लेकिन एक बात आप समझ लो कि कौन से गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे चारकोल पे। एब्जॉर्ब क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड सरफेस है और उस सॉलिड सरफेस में कोई गैस आकर एडजॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो वो गैस जो इजिली लिक्विफाइड हो सकता है वो गैस ज्यादा एडजॉर्ब होगा किस पे, चारकोल पे। देखा जाए एक्सप्लेनेशन तो ऐसा लिखना नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल टेंड्स टू एब्जॉर्ब सेवरल गैस लाइक अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन। एक्टिवेटेड चारकोल इनमें से किसी भी गैस को एड्सॉर्ब करता है, लेकिन एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट डिपेंड किस चीज पे करता है उस पे बात करेंगे। इन जनरल इजिली लिक्विफाइड गैस सच एज अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड आर एब्सॉर्ब इन ग्रेटर एक्सटेंट एज कंपेयर टू N2 और O2। इस ऑप्शन में जो भी हमारे पास ऑप्शन है वो सारे गैस एड्सॉर्ब होंगे, लेकिन ग्रेटर एक्सटेंट में अगर कोई एड्सॉर्ब होगा तो वो अमोनिया होगा। कारण क्या है कि अमोनिया का लिक्विफिकेशन बहुत इजी होता है, वो जल्दी लिक्विफाइड हो जाता है, और जो गैस इजिली लिक्विफाइड हो सकते हैं वो ज्यादा एड्सॉर्ब होते हैं। यहां तक की बात समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है कि 2018 में जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था। When sodium chloride solution is added to iron oxide colloidal solution, then, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि कोलोइडल सॉल्यूशन एक चार्ज पार्टिकल्स होता है जो उसमें खुद में अपने में एक चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव या आइदर नेगेटिव, जिसको सेपरेट करने के लिए आप इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम के प्रोसेस का इस्तेमाल भी करते हो। यहां पर जैसे ही हम आयरन ऑक्साइड के साथ हम ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड, आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, और सोडियम क्लोराइड जैसे पानी में जाएगा ये टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। आपको एक चीज याद रखना है कि आयरन ऑक्साइड जैसे ही डिसॉल्व होगा किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये उसके साथ कोगुलेट कर जाएगा। और कोगुलेट का कारण क्या है, ध्यान देंगे। When sodium chloride solution is added to iron oxide colloidal solution, coagulation take place when salt is added to water. It dissociate into, मतलब salt dissociate कर रहा है Na plus में Cl minus में, as the particles iron oxide solution is positively charged. Obviously है कि जो iron oxide है ये colloidal solution है, लेकिन इसके ऊपर कौन से charge particles है, इसके ऊपर positive charge particles है, और जो आपने sodium chloride डाला उसमें से सारे क्लोरीन आयंस इसको क्या कर लेंगे, कोगुलेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड द राइट आंसर इज FeOH का होल थ्राइस इज कोगुलेटेड, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो यहां पर कोगुलेट कर जाएगा। जवाब ऑब्जेक्टिव में हमें इतना ही देना था। क्लियर गाइस? चलो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर इससे पीछे वाला भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वो भी ले लेना स्क्रीनशॉट में, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दोनों का स्क्रीनशॉट क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द थर्मोडायनेमिक्स चेंजेस व्हेन अ गैस इज एड्सॉर्ब ऑन सॉलिड। जब कभी कोई गैस किसी सॉलिड पे एड्सॉर्ब होता है तो उसमें थर्मोडायनेमिकल चेंज क्या होते हैं, इसको हम लोग हेट्रोजेनस कैटालिसिस में पढ़ते हैं। देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक भी आप उठाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में कोई गैस मॉलिक्यूल्स आकर जब एड्सॉर्ब करता है तो एड्सॉर्प्शन में ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जो अपने अंदर से एनर्जी निकालता है, और यही एनर्जी का वो यूटिलाइज कर करके किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट बना देता है। क्लियर है? देखो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं
कि मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, क्लियर। तो कोई गैस मॉलिक्यूल्स लाइक नाइट्रोजन है, लाइक हाइड्रोजन है, तो जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आकर इसके साथ एड्सॉर्ब होगा, एड्सॉर्ब होने के साथ ही ये अपने अंदर से एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और जो ये एनर्जी रिलीज करेगा ये एनर्जी का ये यूटिलाइज करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लेगा या बॉन्ड को तोड़ने में यूज कर लेगा। तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो उसको मिल जाती है, ठीक है। तो सिंपल आपसे सवाल क्या कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक चेंज क्या हो जाएंगे जब कोई गैस एड्सॉर्ब करेगा किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में। तो हम बात करते हैं तो कहता है नॉर्मली एड्सॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या, वो खुद एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और आप अगर और हीट दे दोगे तो वो प्रोसेस होने से रुक जाएगा। आगे कहता है बिकॉज एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए हाई टेम्परेचर यहां पर सुटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है एक है एड्सॉर्बेंट और दूसरा है एड्सॉर्बेंट, मतलब ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है आपको इसको हम लोग एड्सॉर्बेंट कहेंगे, लेकिन वही गैस जो इस पर आकर एड्सॉर्ब करेगा उसको बोलेंगे एड्सॉर्बेंट। तो दो चीज एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट, ये दोनों मिलेगा और क्या करेगा, एड्सॉर्प्शन करेगा। और एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें चेंज ऑफ एंथैल्पी किस पे होती है, निगेटिव में होती है। अगली बात यहां पर एक और चीज समझेंगे कि चेंज ऑफ एंथैल्पी तो ऑलरेडी निगेटिव में है, यहां पर दूसरी चीज है डेल एस, मतलब एंट्रोपी चेंजेस में क्या आपको दिखेंगे। ध्यान देना एंट्रोपी चेंज क्या होता है, एस स्टैंड फॉर द एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। मान के चलो कि कोई गैस मॉलिक्यूल्स है तो एक दूसरे से ज्यादा दूर होगा, जब ये गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर होगा तो ज्यादा रैंडम मोशन में मूव करेगा, और ये जब ज्यादा रैंडम मोशन में मूव करेगा तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं इस सॉलिड इस गैस को लिक्विफाइड कर दूं तो अब मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जो एक दूसरे से दूर है वो थोड़ा नजदीक पहुंच जाएगा, अब उसमें रैंडमनेस कम हो जाएगा, मतलब एंट्रोपी घट गई। लेकिन अगर मैं इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दूं तो एंट्रोपी और घट जाएगी। तो जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है एंट्रोपी घट जाती है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, किसी गैस को सॉलिड के साथ लाकर जोड़ दे रहा हूं तो ऑब्वियसली एंट्रोपी घटेगी ही घटेगी। तो आप देखो एंथैल्पी भी निगेटिव में और एंट्रोपी भी निगेटिव में, जब ये दोनों इसके साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब देखा जाए तो निगेटिव निगेटिव दोनों मिला करके फिर निगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, मतलब ओवरऑल जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगा वो आपका होगा निगेटिव में। और एक लाइन और मैं कहना चाहूंगा गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी का मान अगर निगेटिव में होगा तो इस नेचर में होने वाले रिएक्शन खुद से होंगे, स्वतः होंगे, जैसे आप स्वतः पढ़ाई करते हो वैसे ही ये खुद से होगा, दैट इज कॉल्ड डेल जी निगेटिव। लेकिन अगर डेल जी पॉजिटिव हो गया तो ये खुद से होने वाला नहीं है, जैसे इसमें भी आपका एग्जाम्पल पढ़ाई का ही है कि अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो, दो चार तबड़ाक दो चार डंडे के बाद पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, तब ऐसा हो रहा है। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी जब अगर निगेटिव होगा तो इसमें आप स्वतः मतलब खुद से ही करोगे, क्लियर है। तो अगली बात समझना क्या कहता है, इन दिस कंडीशन नेचर इज एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक एंड डेल एच एंड टी डेल एच इज बोथ इज नेगेटिव, बट वैल्यू ऑफ डेल एच इज ऑफन मोर देन द टी डेल एच, चेंज इन फ्री एनर्जी डेल जी इज ऑल्सो निगेटिव। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव आया, मतलब ये समझ लेना कि ये कौन सा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। यहां तक बात समझ में आ गई, एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और जब भी एड्सॉर्प्शन होता है एंट्रोपी भी निगेटिव हो जाती है, क्लियर। तो दोनों निगेटिव निगेटिव जब एक दूसरे से घटता है तो वैल्यू आपकी निगेटिव में आ जाती है, इतना ही एक्सप्लेन करना है और दो नंबर आपके खाते में। आपको क्या करना है, आपको इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट वन ईयर्स का क्वेश्चन आ जाएगा 2017 का। देखा जाए तो 2017 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत कम है, मतलब दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन करके एनालाइज करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहता है कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है और डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफिलिक कोलोइड्स।
आगे गाइस नेक्स्ट है हमारे पास कि कैटालिस्ट का हम लोग पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कैटालिस्ट जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, ऐसा क्या करता है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज डिक्रीज, क्या चीज चेंज करेगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कैटालिस्ट जो होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट बढ़ाता है। क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को फास्ट बनाएगा, नथिंग टू मोर। फिर से एक बार समझ लो, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। इट मे बी पॉसिबल दे डी एक्सेलरेट बट नेवर बी चेंज इन इक्विलिब्रियम, नेवर बी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, नेवर बी चेंज इन एंट्रोपी। मतलब इसमें से कोई चेंजेस वो नहीं लाने वाला, ना ही गिब्स फ्री एनर्जी में, ना ही इक्विलिब्रियम में। हाँ, ये चीज हो सकता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड हो जाए, लेकिन हाँ इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बल्कि इक्विलिब्रियम जो 10 मिनट के बाद आने वाला है वो 2 मिनट में तैयार हो जाए। मतलब इक्विलिब्रियम अटेंड कर ले ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में, लेकिन और कोई चेंजेस नहीं लाने वाला है। तो कह सकता है कि कैटालिस्ट एक सब्सटेंस है जो शॉर्टेस्ट कर देता है टाइम को कि इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंच जाए। ये ऑप्शन सरासर गलत है कि बेटा ये इक्विलिब्रियम को इंक्रीज कर देता है, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम में। हाँ, ये सिर्फ हो सकता है कि टाइम जल्दी कर देगा कि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए। क्लियर है, चलो। कैटालिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी बट नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम, ये याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक के ऊपर। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड। इस डिफरेंस पे अगर मैं बात करता हूं तो पहले मैं आता हूं लायोफिलिक और उसके बाद आते हैं लायोफोबिक के ऊपर। दो तरह के कोलॉइड्स होते हैं, आप जानते हो कि आपके पास दो तरह के सब्सटेंस है, एक जो पानी में इजिली डिजोल्व हो जाएंगे, एक जो पानी में डिजोल्व नहीं होगा। लेकिन डिजोल्व होने के बाद ये मे बी पॉसिबल दैट कि वो ट्रू सॉल्यूशन बना दे, लेकिन यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। जैसे ब्लड को अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएगा, मिल्क को पानी में डाल दिया जाए तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। मतलब कि कम एफोर्ड में आप उसको बना सकते हो, डायरेक्ट पानी लिए उसको लिए दोनों को मिक्स कर दिए, लायोफिलिक कोलॉइड्स बन गया। लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड्स ऐसे नहीं होते हैं। अगर आपको किसी मेटल्स को पानी में डिजोल्व करना है तो आप सोचो मेटल को लेके मूव करते रहोगे, क्या वो पानी में डिजोल्व होगा, होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस लगाने पड़ेंगे। तो हमारे पास दो तरह के कोलॉइड्स हैं, लायोफिलिक और दूसरा क्या लायोफोबिक। वन बाय वन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और ये दो नंबर हमारा आज का क्लियर होगा। क्या है क्वेश्चन, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इजली बाय डायरेक्ट मिक्सिंग विद द लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम। एकदम आराम से पानी के साथ मिलाएं, घोलें, ये तैयार, कौन लायोफिलिक। लेकिन लायोफोबिक में कहता है दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, नहीं बनेगा। कैसे, डायरेक्टली कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द स्पेशल मेथड ओनली। मतलब इसको बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तभी ये बनेगा, कौन सा लायोफोबिक। अगली बात, दे आर क्वाइट स्टेबल एंड आर नॉट इजली गेट प्रिसिपिटेटेड। मतलब अगर आपने मिला दिया तो वो खुद से मिक्स होकर के ऐसे रहेगा एक दूसरे के साथ, लेकिन इसमें अगर हम मिलाते हैं तो ये प्रिसिपिटेट यानी सेपरेट होने का चांसेस ढूंढता रहता है। दे कैन बी इजली प्रिसिपिटेटेड बाई एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे वो खुद प्रिसिपिटेट बन के मतलब सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये सेपरेट नहीं होने वाला, कौन लायोफिलिक। अगली बात समझते हैं, दे आर रिवर्सेबल इन नेचर, वंस प्रिसिपिटेटेड कैन रीफॉर्म द कोलॉइडल सॉल्ट बाय सिंपल रिमेनिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम। लेकिन अगर मैं इसी चीज को लायोफोबिक में देख रहा हूं तो लायोफोबिक में कहता है दे आर इरिवर्सेबल, मतलब ये रिवर्सेबल है और ये कैसा है, इरिवर्सेबल इन नेचर, वंस प्रिसिपिटेटेड कैन नॉट बी फॉर्म द कोलॉइडल सॉल्ट बाय सिंपली एडिंग ऑन सिंपल मीडियम। अगली बात क्या कहता है, their surface tension is lower than dispersion medium। मतलब जो dispersion medium का surface tension होगा वो उससे कम होगा, किसे, colloidal solution से। एक बार फिर से बात समझ लो, their surface tension मतलब उस पानी का जो सतह है is lower, कम हो जाएगा than dispersion medium, dispersion medium से कम हो जाएगा, कब, जब हम मिलाएंगे तब। आगे कहता है देयर सरफेस टेंशन इज नियरली सेम एज द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम को बनाने से पहले जो उसका सरफेस एरिया था वही मेंटेन रहेगा, सरफेस एरिया में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहां लोअर होता है और यहां वही का
वही रह जाता है। एक बार फिर से समझ लो, लायोफिलिक, लायोफिलिक का मतलब होता है लविंग, जो पानी को लव करे वैसे को लायोफिलिक कहते हैं, और जो पानी को हेट करे उसको कहते हैं लायोफोबिक। तो ऑब्वियसली इसको जबरदस्ती ही आपको पानी में डिजोल्व करना पड़ेगा। इसके लिए एक मेथड होता है जिसको ब्रेडिक अर्क मेथड करते हैं, जिसमें दो मेटल्स को हम लोग पानी के अंदर डाल के एक स्पार्क कराते हैं, और जब वो छोटे पार्टिकल्स में टूटता है तो तुरंत उसको कूल करते हैं, तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेता है, लेकिन किसी मेटल का। मैंने कहा कि इसको करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, और आपने इतना प्रोसेस अप्लाई किया, इतने देर तक इस वीडियोज को देखा, उसके लिए थैंक यू। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू एंड बाय।